हाय गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो है माइसेलर वाटर की। माइसेलर वाटर सबको पता है ना कि जिससे हम अपने मेकअप को हटा सकते हैं, और अगर आपको मेकअप हटाने की ज़रूरत नहीं है तो इस वीडियो को स्किप करें, मेरी कोई और वीडियो जाके एंजॉय कर लें, लेकिन मेरी वाली ये देखना और किसी की मत जाके देखना। हाँ ठीक है, ठीक है ना। वाव स्किन साइंस का कोकोनट क्लेरिफाइंग माइसेलर वाटर है ये स्प्रे बॉटल में आता है। इसे हम जैसे स्प्रे करते हैं पूरे हाथ में या जिस भी चीज़ पर आप स्प्रे करोगे, पूरी एकदम खुशबू ही खुशबू आ जाती है कोकोनट की। मुझे ये अच्छा लगा है। इसके अंदर में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाल रखे हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर में सिर्फ कोकोनट वाटर नहीं है, हेजल भी है, ग्रीन टी भी है, कुकुम्बर वाटर भी है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेंस नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मिनरल नहीं है। 200 ml की पूरी बॉटल आती है और अच्छी क्वालिटी की बॉटल है। वाव स्किन साइंस की है तो अच्छी होगी, ठीक है। और स्प्रे के साथ में आती है तो ठीक है, हैंडी है मेकअप वगैरह हटाने के लिए। 399 rupees इसका MRP है, लेकिन आपको सस्ते रेटों पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है डिस्काउंट वाला, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लिंक के ऊपर में क्लिक करो, आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा। शेल्फ लाइफ इसकी आती है 2 साल की। शेल्फ लाइफ समझते हो ना कि मतलब ये वही इसकी एक्सपायरी डेट 2 साल बाद की है, ठीक है। और इन्होंने ना यहाँ पर ना सिखा रखा है कि इसे हमने ना यूज़ कैसे करना है, तो वो सब आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो कैसे इसमें स्प्रे सी निकलती है, वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेमो आपको अभी मिलेगा, डेमो में आप अच्छे से सीख लें। जनरली ये मैं जो मेकअप करता हूँ ना, मैं बहुत कम मेकअप करता हूँ, साल में 4-5 बार कर लिया बस, तो ये मैं उस समय यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो ये मेरी दीदी और मम्मी को मैंने ट्राई करवाया तो उन्हें अच्छा लगा है, बाकी चलो देखते हैं। ये देखो दीदी अभी आपको दिखा रही है इसका डब्बा भी और इसकी बॉटल भी। कुछ भी नहीं है, बॉटल इसकी कैप लगी होती है, बस सेफ्टी कैप होती है, ये वाली कैप को हटा लो। उसके बाद में बस आपने अगर मेकअप किया हुआ है, बस आपने स्प्रे कर लेना है, या तो आप डायरेक्टली अपने फेस पर भी स्प्रे कर सकते हो, या आप कोई वाइप ले लो, वाइप्स आती है ना, वाइप पता ना क्या होता है, ठीक है ना, वाइप्स ले लो या नहीं तो कॉटन ले लो, ठीक है। और अच्छे से एकदम आपने अपने फेस के ऊपर में साफ इसे करना है। ये देखो कितना सारा मेकअप इसका निकल गया। अगर ये नॉर्मली वाइप्स को अपने फेस के ऊपर में रगड़ेगी या कोई फेस वॉश लगा के, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं होगी। माइसेलर वाटर से अच्छे से आपको अपना मेकअप उतार के उसके बाद में ही सोना होता है, नहीं तो आपके अगले दिन ही पिंपल्स निकल आएंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस आपको ना क्लीनिंग वाला 2 से 3 बार करना होता है। मेरी रिकमेंडेशन है 3 बार। मैं जब मेकअप करता हूँ तो मुझे 3 बार लग जाते हैं अच्छे से रिमूव करने में। उसके बाद में फिर मैं फेस वॉश भी करता हूँ और उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगा के सोता हूँ, ठीक है। जनरली वैसे तो मैं मेकअप करता ही नहीं, कभी कभी करता हूँ, कभी 1 साल में 3-4 बार। अब आपको मम्मी भी दिखाएगी, दीदी ने तो आपको दिखाई दिया है, और ठीक है ना, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके ही वीडियो बना लेते हैं। मैं दीदी की, दीदी मेरी, फिर मम्मी मेरी, मैं मम्मी की, ऐसे हम लोग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मम्मी ने अभी एक बार में अभी कितना सारा अभी निकाल दिया है मेकअप। मम्मी यही वाला सेम प्रोसेस 3 बार करेगी, ठीक है। उसके बाद में अपने फेस को वॉश करेगी, उसके बाद में फेस के ऊपर में मॉइस्चराइज़र लगा के तब जाके सोएगी। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपको नेक्स्ट डे ही पिंपल हो जाएगा, और ये ज़रूरी है कि हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि ना पोर्स के अंदर में मेकअप जाना वो अच्छी बात होती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फिर क्लीनिंग ज़रूरी है। ये मम्मी अभी सेकंड टाइम इसका कर रही है। सेकंड टाइम में भी बस आपने मेकअप को लगा, मेकअप के ऊपर में माइसेलर वाटर को स्प्रे कर लेना है वाइप्स के साथ में, इसे अच्छे से रब कर लो हर एक जगह पर जहाँ जहाँ पे आपने मेकअप लगाया था, बस आपने इसे ऐसे करके रब कर लेना और आपका मेकअप उतर जाना है। ये अभी सेकंड टाइम कर रही है मम्मी, तो सेकंड टाइम में ना थोड़ा कम मेकअप निकलेगा, ये देखो थोड़ा कम निकला ना, थर्ड टाइम में और कम निकलेगा। और उसके बाद में आपको 4th टाइम में माइसेलर वाटर का यूज़ नहीं करना है, बस आपने फेस वॉश कर लेना है,
ठीक है, कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर लो, ब्रश वाला यूज़ कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोमिंग वाला, वो ब्रश के साथ में अच्छे से जो भी बचा खुचा मेकअप होगा वो भी निकल जाएगा। और बिना ब्रश वाला है घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका निकल ही जाना है। उसके बाद में कोई भी मॉइस्चराइज़र या सीरम या कोई फेस जेल कुछ भी लगा के फिर आप अपना सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मम्मी अब ना थर्ड टाइम कर रही है, थर्ड टाइम भी अब दिखाएगी। ये थर्ड टाइम का कितना कम मेकअप हो गया, ये अब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम, दैट्स इट, बाय, आई लव यू।